लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पंजाब में मैयत की मुफ्त तदफीन का हुक्म। अदालत ने सूबे भर में तदफीन के लिए पैसों की वसूली पर पाबंदी लगा दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के 4 शहरों में फौरी तौर पर मॉडल कब्रिस्तान कायम करने का हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत को तदफीन मुफ्त करने से मुतालिक कानून में तरामीम करने की भी हिदायत। निजी हाउसिंग सोसाइटीज में कब्रिस्तानों के लिए जगह मुख्तस करना लाजमी करार दे दिया। कनाडा के शहर कैलगरी में अफसोसनाक हादसा, घर में आग लगने से पाकिस्तानी खानदान के 7 अफराद जान बहक। बदकिस्मत खानदान का ताल्लुक कराची से था। मरने वालों में 4 बच्चे, खातून और मर्द शामिल। वाकई में 1 शख्स और 4 बच्चे महफूज रहे। आग कैसे लगी? पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का वाकई पर इजहार अफसोस, कहा मुतलका कौंसिल खाना मुतासरा खानदान से राबते में है। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए खुशखबरी, अमरीकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान को मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें मौसूल हो गईं। वफाकी वज़ीर असद दोबर का ट्वीट, लिखा वैक्सीन बैरून मुल्क सफ़र या ज़ेर तालीम अफराद के लिए है। अमरीका की कोविड बारे ये तरक्की पसंदाना पॉलिसी काबिल तारीफ है। असद दोबर के मुताबिक मॉडर्ना वैक्सीन आज 12 बजे से इस्लामाबाद के F9 पार्क में शहरियों के लिए दस्तयाब होगी। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी, एक रोज में मोहलिक वबा मजीद 34 जाने ले गई। 24 घंटे में 1400 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ पूरे मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 2.91% रही। सिंध में कारोबारी औकात का रात 10 बजे तक कर दिए गए। होटल्स और रेस्टोरेंट में इंडोर डाइनिंग की रात 12 बजे तक इजाज़त। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस 24 घंटे जारी रह सकेगी। शादी हॉल्स में इंडोर तकरीब में 200 और आउटडोर में 400 मेहमान शिरकत कर सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% मुसाफिरों के साथ चलाई जा सकेगी। मुल्क भर में बिजली की तवील और गैरलानिया लोड शेडिंग, शहरी इलाकों में 8 से 10, देही इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। बिजली की तवील बंदिश से पानी की किल्लत ने शहरियों को दोहरी अजियत में मुब्तला कर दिया, कारोबार भी मुतासर। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़र कहते हैं कि मसाइल पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। टर्मिनल से 40% LNG सप्लाई शुरू हो गई, जल्द 70% सप्लाई बहाल हो जाएगी। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल कम होकर 3800 मेगावाट की पर आ गया। आईएसको का शॉर्टफॉल मुकम्मल खत्म। गुजरात में रात गए शदीद आंधी और तूफानी बारिश, साइन बोर्ड, दीवारें और छतें गिरने के वाकयात में 6 अफराद जान बहक। मरने वालों में 2 मर्द और 4 खवातीन शामिल। मूसलाधार बारिश के बायस पानी सड़कों पर जमा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत मुजाफाती इलाकों में भी बारिश। लाहौर में तेज हवाओं के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। हुकूमत का मुल्की सतह पर कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम फौरी शुरू करने का ऐलान। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम रवामा लॉन्च करने का असूली फैसला कर लिया गया। निचले तबके के 40 लाख खानदानों को कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। 5 लाख रुपए तक बगैर सूद कर्जा दिया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि किसानों को सूद के बगैर कर्ज और कारोबार के लिए माली मदद देंगे। सूबों के अवाम को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस में शामिल किया जाएगा। कौमी सलामती पर इजलास के बाद हुकूमत और अपोजिशन की अपनी अपनी मीटिंग्स तलब। हुकूमत और अपोजिशन के इजलासों में तजावीज़ तैयार की जाएंगी। अपोजिशन इत्तेहाद PDM का इजलास 5 जुलाई को मुनक़िद होगा। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश के अलावा दीगर उमूर पर गौर किया जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन लीडर जल्द APC भी बुलाएंगे। PDM से अलग होने वाली पीपल्स पार्टी अपनी हिकमत अमली अलग से बनाएगी। वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते वफाकी काबीना समेत इत्तेहादी जमातों से मौजूदा मुल्की सूरतेहाल पर मुशावरत करेंगे।
तहरीके इंसाफ की हुकूमत आसिफ जरदारी चला रहे हैं। पीपल्स पार्टी चाहे तो पीटीआई की हुकूमत एक घंटे में गिरा दे। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल के एहतसाब अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान ने खुद कहा लीडर वो है जो यू टर्न ले। आजाद कश्मीर में दिगर जमातों के पैसों का मुकाबला नहीं कर सकते। कराची में ट्रांसपोर्ट के लिए एक नई बस नहीं लाई गई। कराची में एमकेएम का मेयर करप्ट था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पंजाब रेजिमेंटल सेंटर का दौरा, अफसरान और जवानों से खिताब, कहा इन्फेंट्री को मुस्तकबिल के खतरात के पेश नज़र मॉडर्नाइज कर रहे हैं। इन्फेंट्री को जदीद हथियारों और खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान को कर्नल कमांडेंट के बैजेस लगाए। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। वफाकी अदालतों से लाहौर जुडिशल कॉम्प्लेक्स खाली करवा लिया। पांच एहतसाब अदालतें वफाकी कॉलोनी और स्पेशल कोर्ट सीएनएस लिटन रोड, जबकि तीन सेंट्रल स्पेशल कोर्ट कस्टम टैक्स और एंटी करप्शन की अदालत लिटन रोड मुंतकिल। ओआईबी की दो खसूसी अदालतों को डेविस रोड, जबकि सारिफ अदालत रिवाज गार्डन मुंतकिल कर दिया गया। सयाहों के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान रेलवे ने कोयटा में टूरिस्ट शटल ट्रेन सर्विस का आगाज़ कर दिया। शटल ट्रेन बोस्तान और कौलपुर रेलवे स्टेशनों के दरमियान हफ्ते में दो रोज़ चलाई जाएगी। कम से कम किराया 20 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये है। कौमी क्रिकेटर्स की मौजें, तनख्वाहों में 25% इजाफा। पीसीबी का प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। रिजवान की तरक्की, सरफराज की तनजली, मोहम्मद रिजवान और हसन अली को एक कैटेगरी में तरक्की मिल गई। नौ क्रिकेटर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फहरिस्त से बाहर, मोहम्मद हफीज, अमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास, असद शफीक, हारिस सुहेल, इफ्तार अहमद, नसीम शाह, शान मसूद और उस्मान चनवारी। हैदर अली को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। इमर्जिंग कैटेगरी में इमरान बट, शाहनवाज थानी, उस्मान कादिर शामिल। हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन की इमर्जिंग से सी कैटेगरी में तरक्की हुई। पंजाब हुकूमत को कब्रिस्तानों में मुफ्त तदफीन का हुक्म। एलडीए को निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ में कब्रिस्तानों की जगह मुख्तस लाजमी करार दे दिया और अदालत ने सूबे भर में तदफीन के लिए पैसों की वसूली पर पाबंदी लगा दी है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, अहम फैसला सामने आया है। अदालत ने सूबे भर में तदफीन के लिए पैसों की वसूली पर पाबंदी लगा दी है। अदालत ने फैसले में लिखा, पंजाब के चार शहरों में फौरी तौर पर मॉडल कब्रिस्तान कायम किए जाएँ। अदालत की पंजाब हुकूमत को तदफीन मुफ्त करने से मुतालिक कानून में तरामीम करने की भी हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को कब्रिस्तानों में मुफ्त तदफीन का हुक्म दिया है। पानी नयात कैनेडियन शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस, तर्जुमान दफ्तर हादसा का कहना है, अल्बर्ट कैनेडा में घर में आग लगने से सात पाकिस्तानी नयात की मौत पर रंज और अफसोस है। वैनकोर में पाकिस्तानी कौंसल जनरल मुतलका कैनेडियन इंतजामिया के साथ राबते में है। मुतलका कैनेडियन इंतजामिया के मुताबिक अभी तक आतिजदगी की वजूहात मालूम नहीं हो सकी हैं। पाकिस्तान का सात पाकिस्तानी नयात कैनेडियन शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस, तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, अल्बर्टा कैनेडा में घर में आग लगने से सात पाकिस्तानी नयात की मौत पर और अफसोस है। कौमी सलामती कमेटी इजलास हो गया, अब हुकूमत और अपोजिशन इसी तनाजुर में मीटिंग्स करेंगी। ज़रा के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन के इजलासों में तजावीज़ तैयार की जाएंगी। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब विर्क ने। जी साकिब, हुकूमत और अपोजिशन अलग अलग इजलास में अब तजावीज़ तैयार करेंगी, ये इजलास कब होंगे और उसकी क्या तैयारी है अब? जी, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल, खास तौर पर अफगानिस्तान और कश्मीर के ऊपर कौमी सलामती का जो बड़ा इजलास है वो हो चुका है और हुकूमत और अपोजिशन इसी तनाजुर में आने वाला जो हफ्ता है उसमें अलग अलग बड़ी मुशावरती मीटिंग जो है वो करने का उन्होंने बना लिया है। आपको बताएं कि अपोजिशन इतिहाद पीडीएम का इजलास 5 जुलाई को जो है वो तलब किया जा रहा है। इजलास में कौमी सलामती
साकिब विर्क हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कौमी सलामती कमेटी इजलास हो गया, अब हुकूमत और अपोजिशन इसी तनाजुर में मीटिंग्स करेंगी। बहुत शुक्रिया आपका साकिब विर्क, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का 7 जुलाई को अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास बुलाने का फैसला। सराय के मुताबिक अपोजिशन क़यादत इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर मुश्तरका लाहे अमल अपनाएगी। अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात पर सिफारिशात तैयार करेगी। खालिद महमूद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात जानते हैं। जी खालिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। खालिद महमूद से भी राबता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि अपोजिशन पहले ही हुकूमत की तरफ से इंतखाबी इस्लाहात का मुसव्वदा मुस्तरद कर चुकी है। अपोजिशन पहले ही हुकूमत की तरफ से इंतखाबी इस्लाहात का मुसव्वदा मुस्तरद कर चुकी है। शहबाज शरीफ का 7 जुलाई को अपोजिशन जमातों से राबता। अपोजिशन क़यादत इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर मुश्तरका लाहे अमल अपनाएगी और अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात पर सिफारिशात तैयार भी करेगी। इंतखाबी इस्लाहात पर मुशावरत और इस्लाहात तैयार की जाएंगी। अपोजिशन पहले ही हुकूमत की तरफ से इंतखाबी इस्लाहात का मुसव्वदा मुस्तरद कर चुके हैं। तफसीलात जानते हैं खालिद महमूद से। जी खालिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी देखिए, हुकूमत की जानिब से बार बार जो इंतखाबी इस्लाहात हैं उसके बारे में अपोजिशन को दावत दी जाती रही, लेकिन आज से कुछ चंद रोज कबल भी हुकूमत की जानिब से एक मुसव्वदा जो है वो अपोजिशन को भेजा गया कि इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक, उसको भी अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया। लेकिन उससे दोबारा से शहबाज शरीफ जब जमानत पर रहा हुआ है तो उन्होंने दोबारा से ये कोशिश की कि इंतखाबी इस्लाहात की जाए। इसी हवाले से उन्होंने APC बुलाने का ऐलान किया कि तमाम जमातें जो हैं, खासकर जो अपोजिशन जमातें हैं, वो इस इजलास में शरीक हों। तहम बिलावल भुट्टो की मसरूफियात और दीगर जो कायदीन हैं उनकी मसरूफियात की वजह से APC का सरबराही इजलास तो अब मुनक़द नहीं हो रहा, लेकिन 7 जुलाई को जो पार्लिमानी लीडर्स हैं अपोजिशन के उनका इजलास बुलाया जा रहा है और अपोजिशन के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तमाम पार्लिमानी लीडर्स को दावत दी है कि वो 7 जुलाई को इस्लामाबाद में आएं और इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक अपना एजेंडा जो है वो तय करें और अपनी सिफारिशें तैयार करें जो हुकूमत को दी जाएंगी। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म की 2.5 लाख से ज़ायद अफराद के मुफ्त इलाज पर KP हुकूमत को मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, ये है क़ायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान जिसकी तरफ हम गामजन हैं। वज़ीर-ए-आज़म की 2.5 लाख से ज़ायद अफराद के मुफ्त इलाज पर KP हुकूमत को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया और लिखा कि यह है क़ायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान जिसकी तरफ हम गामजन हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2.5 लाख से ज़ायद अफराद के मुफ्त इलाज पर KP हुकूमत को मुबारकबाद दी है। आगे बढ़ेंगे। मुल्की सतह पर कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम फौरी शुरू करने का ऐलान। हुकूमत ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम रवामा लॉन्च करने का उसूली फैसला कर लिया, जिसके मुताबिक निचले तबके के 40 लाख खानदानों को कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा। इसी पर बात करेंगे हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान गिलज़ई ने। जी रिजवान, क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी, वजीर आजम ने अभी बजट इजलास में जो अपनी तकरीर कहा था कि कामयाब जवान प्रोग्राम शुरू करने लगे, इस हवाले से वजीर खजाना की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें फैसला किया गया कि रवां माह ही कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत जो लो कॉस्ट हाउसिंग है, स्किल डेवलपमेंट है और तकरीबन जो 40 लाख खानदान है उनको आसान इकसात पर बिलासूद कर्जे देने का ये प्रोग्राम है और इसी में जो है वो हेल्थ कार्ड और जरी खिदमात को भी शामिल किया गया है। अरबों रुपए का ये मंसूबा होगा, इसमें 5 लाख रुपए तक जो कर्जा है वो बिलासूद दिया जाएगा जो निचले तबके के 40 लाख खानदान हैं उनको, साथ साथ किसानों को जो है वो सूद के बगैर कर्जा भी दिया जाएगा और कारोबार के लिए भी जो है वो माली मदद दी जाएगी। इसके साथ साथ हर खानदान में से एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन भी दी जाएगी और जो लो कॉस्ट हाउसिंग मंसूबे में भी जो है वो जो गरीब तरीन लोग हैं उनको शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ जो माइक्रो फाइनेंसिंग है उसके जरिए भी निचले तबके की। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान गिलज़ई, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। बिजली के शॉर्टफॉल में कमी आने लगी, शॉर्टफॉल 6000 से कम होकर 3000
1800 मेगावाट हो गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक गैस और पानी की सप्लाई में बेहतरी से पनबिजली और थर्मल की पैदावार में इजाफा हुआ है। पनबिजली की पैदावार 4200 और थर्मल पावर प्लांट्स 2500 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं और इसके साथ साथ बिजली की मजमूई पैदावार 21200 जबकि तलब 25000 मेगावाट हो चुकी है। बिजली की मजमूई पैदावार 21200 जबकि तलब 25000 मेगावाट हो चुकी है। एक रोज में मोहलिक वबा मजीद 34 जाने ले गई। 24 घंटे में 1400 नए केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2.91% रही है। कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1400 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2.91% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना के वार जारी तीसरी लहर में आपको बताएं कि एक रोज में मोहलिक वबा 34 जाने ले गई। अमरीकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान को मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें मौसूल हो गईं। वफाकी वज़ीर असद उमर का ट्वीट लिखा, वैक्सीन बैरून मुल्क सफ़र या ज़ेरे तालीम अफराद के लिए है। अमरीका की कोविड बारे तरक्की पसंदाना पॉलिसी काबिल तारीफ है, कहना था असद उमर का। असद उमर ने कहा कि अमरीका की कोविड बारे तरक्की पसंदाना पॉलिसी काबिल तारीफ है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका की जानिब से मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। इसी से जुड़ी यह खबर कि मॉडर्ना वैक्सीन आज वैक्सीनेशन सेंटर F9 पार्क इस्लामाबाद में दस्तयाब होगी। DHO की भी मॉडर्ना वैक्सीन की दस्तयाबी की तस्दीक आपको बता रहे हैं। मॉडर्ना वैक्सीन आज वैक्सीनेशन सेंटर F9 पार्क में दस्तयाब होगी। DHO की भी मॉडर्ना वैक्सीन की दस्तयाबी की तस्दीक और ये उन लोगों को लगाई जाएगी जो कि बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं या बैरून मुल्क ज़ेरे तालीम हैं और बाहर जाना चाहते हैं। मॉडर्ना वैक्सीन आज वैक्सीनेशन सेंटर F9 पार्क इस्लामाबाद में दस्तयाब होगी। असद उमर ने ट्वीट में भी इस बात का ऐलान कर दिया है, जबकि DHO ने यह बताया है कि मॉडर्ना वैक्सीन दस्तयाब है और लोगों को आज से लगाना शुरू हो जाएगी। आपको खबर से अपडेट कर रहे हैं, मॉडर्ना वैक्सीन आज वैक्सीनेशन सेंटर F9 पार्क इस्लामाबाद में दस्तयाब है। बहुत दिनों से एहतजाज किया जा रहा था, वो लोग जो कि बाहर जाना चाहते थे उनके लिए ये अच्छी खबर है। वफाकी अदालतों से लाहौर जुडिशल कॉम्प्लेक्स खाली करवा लिया गया। 5 एहतसाब अदालतें वफाकी कॉलोनी और स्पेशल कोर्ट CNS को लिटन रोड मुंतकिल कर दिया गया। 3 सेंट्रल स्पेशल कोर्ट्स कस्टम टैक्स और एंटी करप्शन की अदालत लिटन रोड मुंतकिल। OIB की 2 खसूसी अदालतें डेविस रोड जबकि सारिफ अदालत रिवाज गार्डन मुंतकिल हो गई है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स से तमाम वफाकी अदालतें सेशन जज के हुक्म पर खाली करवाई गई हैं। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं के 3 सेंट्रल स्पेशल कोर्ट्स की तब्दीली, OIB की 2 खसूसी अदालतें डेविस रोड जबकि सारिफ अदालत रिवाज गार्डन मुंतकिल। मोहम्मद हारून हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात जानते हैं। जी मोहम्मद हारून, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, वफाकी अदालतों को लाहौर जुडिशल कम्प्लेक्स से खाली करवा कर जो है वफाकी कॉलोनी में मुंतकिल कर दिया गया है। मुंतकिल होने वाली अदालतों में नैब केसेस वाली 5 अदालतें जो है वो शामिल है, जिसमें 3 सेंट्रल स्पेशल कोर्ट से जुडिशल कम्प्लेक्स से लिटन रोड मुंतकिल किया गया है। HSAB की 5 अदालतों को जो है वो वफाकी कॉलोनी मुंतकिल किया गया है। कस्टम टैक्स और एंटी स्मगलिंग अदालतों में लिटन रोड, OIB की 2 स्पेशल कोर्ट जुडिशियल कम्प्लेक्स से डेविस रोड मुंतकिल की गई है, जबकि स्पेशल कोर्ट से NCS को भी लिटन रोड मुंतकिल कर दिया गया है। सारिफ अदालत जुडिशियल कम्प्लेक्स से रिवाज गार्डन मुंतकिल की गई है। ये तमाम अदालतें जो सेशन जज के हुक्म पर खारिज करवाई गई हैं और इन तमाम अदालतों में आज से जो काम शुरू भी हो चुका है। ख्वाजा आसफ की आमदन से ज्यादा फसाजात केस में आज पहली जो पेशी थी वो नई मुंतकिल की गई HSAB अदालत वफाकी कॉलोनी में, वहां पर हुई थी और ये केस की समाअत जो है वो 8 अगस्त तक मुलतवी हो गई थी। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून, आपने हमें अपडेट किया।